बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को खैरियत से रखे। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उतना मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ और आपको बताऊँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ हैंक्स शेयर करूँगा, इनको आप फॉलो करके आप अपने एग्जाम्स में, अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आप ये करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको इस चैनल से मिलती रहें। अभी मैं आपको स्टूडेंट्स पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट और भी बात बता दूँ कि आप जल्दी में होते हैं, नर्वस होते हैं, परेशान होते हैं, पेपर में आप जैसे जाते हैं अपने आप को रिलैक्स रखा करें, डिप्रेस नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना कि वो कोई ऊपर खड़ा है तो वो कोई जिन भूत है, कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स वो जो निगरान ऊपर खड़े होते हैं वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं, तो आपने उनसे बिल्कुल नहीं डरना। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होती, क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हमें उनका आंसर तो आते होते हैं, लेकिन क्वेश्चन की हमें समझ नहीं आ रही तो आपने ऊपर जो निगरान खड़े होते हैं उनसे आपने पूछना है कि सर हमें ये एक्सप्लेन कर दें। वो आपको स्टूडेंट्स आंसर नहीं बताएंगे, वो आपको क्वेश्चन इस तरह एक्सप्लेन कर देंगे। हो सकता है कोई मेरी तरह अच्छा बंदा हो तो वो आपको टिप्स भी बता दे, कुछ बातें बता दे कि आप इस तरह इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन इस तरह एक्सप्लेन कर देगा कि आप अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, उसका आंसर आप खुद ब खुद आपको आ जाना। तो नंबर वन स्टूडेंट, नंबर वन पर आपने अपने जो जो सब्जेक्ट हैं उनके पास पेपर्स को डाउनलोड करना है। पास पेपर को डाउनलोड करके स्टूडेंट्स उनकी आपने प्रिपरेशन करनी है। 80% 70% आपका पास पेपर में से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो पास पेपर को आपने डाउनलोड करके प्रिपरेशन करनी है। नंबर दो, नंबर दूसरे पर स्टूडेंट्स बात यह है कि आपने आपको जो वीडियो लेक्चर मिले हुए हैं वो है काफ़ी लेंथी, 45 मिनट का एक घंटे का एक लेक्चर है, तो वो वीडियो लेक्चर आपने इस टाइम अभी जो जितना आपके पास टाइम है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वीडियो लेक्चर को सुनने का टाइम आपके पास नहीं होता तो उन वीडियो लेक्चर पे आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने कोर्स वेबसाइट्स पे जाना है, वहाँ पे आपको टॉपिक्स मिलेंगे कि ये आपने टॉपिक करने हैं, उन टॉपिक्स को आप वहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके यूट्यूब पर लेकर आएँ, यूट्यूब पर आएँ वहाँ पर सर्च करें तो आपको 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो फिर उन वीडियोस को आप देखें। वो 45 इतने बड़े बड़े लेक्चर जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दिए हुए हैं उनको आप सुन के अपना टाइम वेस्ट ना करें, यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नंबर तीसरे पे आप अपने टाइम को मैनेज करना है, ये ना कि एक ही क्वेश्चन पे आप अपना सारा टाइम वेस्ट करके उधर ही बैठे रहें और बाकी आपके एंड वाले क्वेश्चन रह जाएँ, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। टाइम को देखना है, कितना आपके पास टाइम है, कितने आपके पास क्वेश्चन है, तो टाइम को मैनेज करते हुए आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप हों या फेसबुक ग्रुप हों वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उन ग्रुप्स में आपने रहना है जहाँ पे एक्टिव मेंबर हों। ये नहीं है कि आपने चैट करने के लिए ग्रुप्स में रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और आपने देखना है कि एक स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पहले पेपर हों, कुछ के बाद में हों, तो जिनके पहले पेपर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स शेयर भी करते रहते हैं, कुछ एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन वहाँ से लिख कर आ जाते हैं और ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं, तो उन आपने क्वेश्चन को भी रीड करना है, अच्छे से देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। तो उसी तरह के कभी कभी ऐसा शफलिंग होती रहती है, मोस्टली शफलिंग होती रहती है, तो आपने उन क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करके, प्रिपरेशन करके और पेपर के लिए तैयार होके जाना है और पेपर को अच्छा और साफ सुथरा हल करके आ जाना है। और मेरी दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको और इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, इंशाल्लाह हम में से ही हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को आगे लेकर आएंगे। हमारे एजुकेशन का लेवल बहुत ही नीचे आ चुका है, जब हम स्ट्रगल करेंगे, हम स्टूडेंट्स स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में एजुकेशन का लेवल बहुत ही ऊपर आ जाएगा। हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है और दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, अगेन रिक्वेस्ट करो कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।